हाय गाइस, मैं हूं दीपशिखा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं कहां हूं, तो घबराइए नहीं, मैं अपनी किचन में ही हूं, क्योंकि कल है मकर संक्रांति और हमने जो तैयारी है वो अभी से ही शुरू कर दी है। होपफुली आप भी अपने उन मोमेंट्स को मिस नहीं करना चाहते होंगे जब छत पर सब ये काटा वो काटा की आवाज़ें आ रही होंगी और डीजे बज रहा होगा। तो आप भी अगर इन सब मोमेंट्स को मिस नहीं करना चाहते तो आज ही पहले से ही तैयारी करके रख लें। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक 5 मिनट में बनने वाली मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी, जो होपफुली आपके गेस्ट को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन उससे पहले आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में मकर संक्रांति सेलिब्रेशन कैसा होता है। मैं तो भाई जयपुर में हूँ और जयपुर में तो पतंगे उड़ा के ही सेलिब्रेशन होता है। और अगर आप जयपुर में हैं तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कितनी सारी पतंगे काटी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तिल मावा बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 कप तिल, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप पिसी हुई चीनी और साथ ही मैंने 6-7 इलायची को इसके साथ ही ग्राइंड कर दिया था, 3 से 4 छोटे चम्मच घी, थोड़े से काजू, फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पिस्ता, साथ ही हम लेंगे 1/2 कप दूध। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो पे रखना है और तिल को हमें कंटिन्यूसली हिलाते हुए भूनना है, अदरवाइज तिल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। लगभग 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि तिल जो है वो हल्के हल्के फूल गए हैं, बहुत ज़्यादा विजिबल डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन हल्के हल्के आपको फूले हुए लगने लगेंगे और हाथ से टच करने पे ये थोड़े से स्लिपरी होंगे। तो इस स्टेज पे हमारे तिल जो है वो अच्छे से भुन गए हैं और हमें इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने देना है। और अगर तिल को आपने ज़्यादा भुन दिया तो तिल का टेस्ट जो है वो कड़वा आ जाएगा। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तिल को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और सेम पैन में हम डालेंगे घी और घी के मेल्ट होने पर हम इसमें डालेंगे दूध और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालेंगे और साथ साथ में इसे हिलाते रहेंगे, अदरवाइज जो है इसमें गांठें पड़ जाएंगी। आप थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालिए और उसे कंटिन्यूसली हिलाते जाइए। मैंने इसमें अपने पूरे 1 कप मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और इसे हमें अच्छा गाढ़ा करके मावा जैसा बनाना है। मिल्क पाउडर से मावा बनाने की इंस्टेंट जो वीडियो है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जब तक हम मावा बना रहे हैं तब तक हमारे तिल भी जो है वो साथ साथ में ठंडे हो गए हैं और ये इतने ठंडे हो गए हैं कि मैंने हाथ से इजीली टच कर पा रही हूँ। तो अब हम अपने 3/4 क्वांटिटी जो तिल हैं इसे हम हल्का दरदरा पीस लेंगे और इसे आपको कंटिन्यूसली नहीं पीसना है। मिक्सी को चलाइए, हल्का सा बंद, फिर बंद कीजिए, फिर चलाइए, फिर बंद कीजिए, नहीं तो तिल में से तेल निकलने लग जाएगा। और इतने तिल जो है वो मैं दरदरे पीस लूँगी और ये 1/4 पार्ट को मैं पीसूँगी नहीं, इसे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं और इस तरह का हल्का हल्का मावा बनना शुरू हो गया है। आप देखेंगे टेक्सचर बहुत ही थिक हो गया है। तो अभी हमें इसे प्रॉपर मावा जनरेट होने तक भुनना है और इसे मैं कंटिन्यूसली इसी तरह से ही हिला रही हूँ, अदरवाइज़ इसमें गांठें पड़नी शुरू हो जाएंगी या मावा जो है वो नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो तिल है उसे मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, आप देखेंगे कि इस तरह के दरदरे मैंने पीस लिए हैं तिल। और इसे मैंने सिर्फ 4 से 5 सेकंड तक के लिए ही मिक्सर को चलाकर पीसा है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसे पीस बारीक नहीं करना है, अदरवाइज़ तिल का तेल निकलने लग जाएगा। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आप देखेंगे कि मावा का जो टेक्सचर है वो इस तरह का हो गया है, ये पूरा पैन से चिपक नहीं रहा है और इस तरह से घूम रहा है। और अगर आपका मावा जो है वो पैन से चिपकना स्टार्ट हो जाए तो आप उसमें 1 छोटा चम्मच घी और डाल दें, इससे मावा जो है वो पैन से चिपकेगा नहीं। और अब आप देखेंगे कि जब ये वाला टेक्सचर क्रिएट हो गया है तो हमारा मावा जो है वो बनकर तैयार है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें अपनी पिसी हुई चीनी डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चीनी जो है वो मैंने घर पर नॉर्मल चीनी को पीस कर तैयार की है और साथ ही मैंने 5 से 6 इलायची है वो भी साथ में ही पीस दी थी, तो इससे हमें अब इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है।
दो से तीन सेकंड का टाइम ही लगा है और चीनी जो है वो अच्छे से इस तरह से मेल्ट हो गई है और ये वापस से हमारा थोड़ा स्मूथ मिक्सचर बन गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें अपने जो दरदरे कूटे हुए तिल हैं वो डाल देंगे और साथ ही हम इसमें अपने साबुत तिल भी डाल देंगे। और इसमें मैं जो बारीक काजू है वो भी डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो पर रखा हुआ है, बहुत ही लो रखनी है हमें गैस की फ्लेम। थोड़ी सी भी गैस की फ्लेम हाई हुई तो ये पूरा मिक्सचर जो है वो जलने लग जाएगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप कोशिश करें कि इसे आप नॉन स्टिक या आयनोडाइज्ड पैन में ही बनाएं, अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल पैन में बनाएं और ये मिक्सचर चिपके तो आप इसमें घी डालते जाएं साथ साथ में। और ये हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को मैं इस स्टेज पे ऑफ कर रही हूँ। बर्फ़ी को जमाने के लिए मैंने इस तरह की किनारों वाली प्लेट ली है और इसमें मैं हल्का सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से प्लेट में फैला रही हूँ, क्योंकि प्लेट को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे तो बर्फ़ी बनने के बाद बहुत ईजिली निकल जाएगी। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे, लेकिन ठंडा होने के बाद घी जम जाता है तो बर्फ़ी निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये स्टेप आप थोड़ा क्विकली ही करें, अदरवाइज़ जो मावा है वो जमने लगेगा। और अब हम इस प्लेट में अपना बर्फ़ी वाला मिक्सचर डाल देंगे और ये जो मावा का मिक्सचर है इसे हम प्लेट में अच्छे से फैला देंगे, इसे बिल्कुल एक सार कर देंगे हम, ताकि हमारी बर्फ़ी जो है वो एक सार बने। बर्फ़ी को हमने प्लेट में सेट होने के लिए रख दिया है और अब मैं इस पे जो हमने बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया था वो गार्निशिंग करूँगी। आप चाहे तो बादाम भी ले सकते हैं या जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और थोड़े से मैं इस पे बारीक कटे हुए काजू भी डाल रही हूँ। और बर्फ़ी को हम थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे जिससे बर्फ़ी जो है वो अच्छे से जम जाए और उसके बाद हम इसे काट कर तैयार करेंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं और बर्फ़ी हमारी जमकर रेडी है और इसे हम काट लेते हैं। बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार है और इसे हम काट के डायरेक्टली अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।